गाइस फुल एंड फाइनली आ चुकी है हमारी जैन सिंह भाई की ट्रेन। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड गाइस आज का ब्लॉग में हम तो जा रहे हैं अपने जैन सिंह भाई को, वो जा रहे रिटर्न अपने काम पर, तो उनको छोड़ने के लिए आज रेलवे स्टेशन जाएंगे गाइस। तो बने रहे, आप भी देखते जाइए कि जैन सिंह भाई कौन से ट्रेन से वगैरह जाते हैं, तो हम आपको वहाँ पर लेके जाकर दिखाएंगे और क्या सीन है, तो बने रहना आप लोग और देखते जाइए। हम पहुँच चुके हैं अभी जैन सिंह भाई के घर पे, पूरा जैन सिंह भाई का घर। अभी हम यहाँ से जाएंगे, उनको लेकर पांडुना एंड रेलवे स्टेशन पर छोड़ देंगे। वो अपने काम पर रिटर्न जा रहे हैं, तो उनको रेलवे स्टेशन पर छोड़ कर फिर हम रिटर्न आ जाएंगे। अभी देखते कौन कौन लोग आएंगे, और ये देख सकते छोटे छोटे बच्चे लोग बाहर खेल रहे हैं। तो भाई जैन सिंह भाई अभी रेडी हो चुके हैं, बैग वैग पैक कर लिया एंड अभी यहाँ से निकल रहे हैं, और उनके भांजे के साथ अभी वो बात कर रहे हैं, हो रहा वहाँ पे इधर आ, देखो वो अभी आ रहा है, मिट्टी खेल रही है इधर। क्या नाम है तेरा, पूरा नाम कहाँ रहता है, मामा कुछ बोल रहा इधर आ रहे। भाई साहब अभी जैन सिंह भाई जा रहा है, तो अभी देखो पैसा वैसा दे रहे भांजे लोगों को। फाइनली हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं पांडुना के, एंड अभी अंदर इंटर करेंगे और देखते क्या प्रोसेस है अभी। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर सभी यात्रीगण अभी इंतजार कर रहे हैं ट्रेन आने का, एंड हम भी अभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं थोड़े समय में। अभी लगभग 9:00 पर बताई गई ट्रेन, और हम 8:20 पर अभी यहाँ पहुँच चुके हैं। समय के पहले यहाँ पर पहुँचना बहुत ही अच्छा रहता है, ट्रेन अगर छूट जाए तो जैन सिंह भाई का लगभग 2,000 रुपये खर्च हो जाएगा एसी क्लास का। तो चलिए ट्रेन आने पर आपको मिलते हैं। तो गाइस फुल एंड फाइनली आ चुकी है हमारी जैन सिंह भाई की ट्रेन, गुडूर होते हुए इनको छोड़ेंगी। चलिए अभी इंटर करते हैं जैन सिंह भैया। तो गाइस फुल एंड फाइनली जो हमारे जैन सिंह भाई इस पांडुना से गुडूर के लिए चेन्नई की ओर निकल चुके हैं। तो चलिए अभी गाड़ी भी निकल गई है, तो हम भी अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो गाइस अभी हम जो है पांडुआ के जो बैक साइड वाला जो रेलवे स्टेशन का रास्ता है उसी से निकलते, वरना हमको टीटी साहब वहाँ पर बोलेंगे कि भाई तुम पांडुआ में अभी उतरे हैं, तो हमको ही टिकट मांगने लग जाएंगे। तो इस कारण से हम बैक साइड के रास्ते से जाएंगे, वरना खूब हम आ रही दिक्कत करा देंगे इसलिए। तो चलिए अभी ये बैक साइड वाला रास्ता है, इधर की ओर से निकलते हैं। तो गाइस हम रिटर्न से आ गए यहाँ पर अपने पार्किंग में, और ये रही हमारी गाड़ी, तो इस तरह बैठ के चलेंगे अपने गांव की ओर। चलिए अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको नए लोकेशन पर। मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ, एंड आप देख सकते यहाँ पर अभी खुला खुला कुछ माहौल हो गया, उधर भी देख सकते हो वहाँ पर कुछ मैंने के पेड़ हुआ करते थे यहाँ पर भी, लेकिन मेरे आगे छोटे ने जो है ये सब आज उखाड़ के रख दिए। ये देख सकते हैं पूरा कचरा हो गया, ये पूरा उखाड़ दिया है मेहंदी के पेड़ वगैरह, तो पूरा खाली खाली सा लग रहा है यहाँ पे। एंड छोटी सी वो जो कुतिया थी ना, उनको किसी ने मार दिया है पेड़ पे, उनसे खाना भी खाना नहीं हो रहा। तो कुछ लोग ऐसे कि कुछ भी मतलब पत्थरे वगैरह मारते तो ऐसे ना मारो तो अच्छा है, क्योंकि मुँह के जानवर हैं, अगर कुछ कम ज़्यादा अगर करना रहा गाइस तो कुछ भी हो सकता है आपके परिवार वालों को, क्योंकि उनकी भी जान होती है, उनको ऐसे हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपको